आगे बढ़ते हैं। बिसलपुर बांध क्षेत्र से बजरी निकालने पर एनजीटी की रोक के बाद परियोजना प्रस्तावक द्वारा बिना बजरी बेचान के परमिट के करोड़ रुपए की बजरी बेचने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट देखिएगा। बिसलपुर से एनजीटी की रोक के बावजूद बिना बेचान परमिट के करोड़ों की बजरी बेचने का मामला सामने आया। करीब डेढ़ महीने की अवधि में केकड़ी और भीलवाड़ा क्षेत्र से 10,000 से ज्यादा ट्रक बजरी बेचे जाने की सूचना है, जिसकी कीमत करीब 28 करोड़ रुपए आंकी गई। पूरे मामले में खान विभाग परियोजना प्रस्तावक पर कार्रवाई कर सकता है। दरअसल बिसलपुर बांध की भंडारण क्षमता को सुधारने के लिए ERCPCL द्वारा 20 साल के लिए बांध क्षेत्र से बजरी गाद निकालने के लिए डिसिल्टिंग और ड्रेजिंग का ठेका दिया गया था। परियोजना प्रस्तावक द्वारा 212 वर्ग किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट के लिए अजमेर के केकड़ी क्षेत्र में जीतपुरा के पास मशीन लगाकर काम शुरू कर दिया गया था। रोजाना हजारों टन बजरी निकाली गई और स्टॉक किए गए। नियम अनुसार इस बजरी को बेचने के लिए खनन निदेशालय में परियोजना प्रस्तावक ने परमिट के लिए आवेदन किया, लेकिन अभी तक परमिट जारी नहीं किया गया। बावजूद इसके प्रस्तावक द्वारा डेढ़ महीने की अवधि में यहां के बजरी स्टॉक से 10,000 से ज्यादा ट्रक बजरी बेचान की जानकारी मिल रही है। इस बजरी की अनुमानित कीमत करीब 28 करोड़ रुपए बताई गई। बता दें कि एनजीटी में शिकायत के बाद एनजीटी ने पिछले दिनों बिसलपुर बांध क्षेत्र से बिना पर्यावरण अनुमति प्राप्त किए डिसिल्टिंग व ड्रेजिंग पर रोक लगा दी। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण मंडल को निगरानी के आदेश दिए। दरअसल ये प्रोजेक्ट शुरू से ही विवादों में रहा। पहले तो बिना पर्यावरण अनुमति के यहाँ डिसिल्टिंग व ड्रेजिंग शुरू करने के आदेश ERCPCL द्वारा जारी कर दिए गए और अब परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान विभाग से परमिट लिए बिना बजरी बेचान के आरोप कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर हजारों टन बजरी को बेचने के मामले में खान विभाग ने आंखें कैसे मूंदी रखी, जबकि इस क्षेत्र में खान विभाग के रॉयल्टी नाके भी हैं। सूचना के मिलने के बाद भी रॉयल्टी चोरी की गणना क्यों नहीं की जा रही। इसके अलावा खान विभाग के संबंधित अधिकारी बांध क्षेत्र से निकाली गई बजरी के स्टॉक को नियमित चेक भी नहीं कर रहे और स्टॉक वेरीफाई भी नहीं किया गया। अजमेर और भीलवाड़ा के खान विभाग के अधिकारियों से बात करने पर उन्होंने स्टॉक चेक करवाने की बात कही है, लेकिन बिना परमिट बजरी बेचान को लेकर वे भी कुछ भी कहने से कतराते हैं। अब सवाल उठता है कि बजरी बेचान से हुए रॉयल्टी के नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से निर्मल तिवारी की रिपोर्ट।